पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए पंडित देशराज शर्मा एडवोकेट ने मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स में पहुंचकर पुलिस को तहरीर देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा साजिश के तहत अमन पसंद प्रदेश के हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए लगातार बयान देकर धार्मिक और जातीय उन्माद फैला रहे हैं। 28 अगस्त को स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा समस्त हिंदुओं और समस्त ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द बोले गए और लगातार हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान किया गया है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मनसा साजिश के तहत देश में जातीय धार्मिक दंगे कराने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज मैं जो सिविल लाइन थाने आया हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के विरुद्ध लगातार जो है अनर्गल बातें करते हैं, उन्हें गरियाते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं और लगातार ये सिलसिला उनका एक अरसे से चला आ रहा है। एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। मैं देशराज शर्मा बीइंग ए ब्राह्मण होने के नाते मुझ पर ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं आज हार कर मैंने ये निर्णय लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अमन और शांति के लिए खतरा बन गए हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं। इसी जातीय उन्माद में उत्तर प्रदेश कभी भी आग में चला जा सकता है। उनके विरुद्ध NSA लगाई जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज तक वो चुप बैठे हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कहने की जरूरत नहीं की। हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार और उसके विरुद्ध तमाम हिंदुओं को गाली पड़ रही हैं। दुनिया भर के काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में उनके विरुद्ध कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत नहीं दिखाई है। मैं आज रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। मैंने अपनी रिपोर्ट यहाँ के क्राइम इंस्पेक्टर महोदय को दे दी है। मैंने उनसे कहा आप हमारी कॉपी रिसीव करके दीजिए। अभी उन्होंने कहा है कि हम आपकी FIR लिखाएंगे, सुसंगत धाराओं में हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए, NSA की कार्रवाई उन पर की जाए। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है प्रदेश में, अपने दल से निकाला जाए। और मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य से कि अगर उन्हें हिम्मत है, जिन लोगों को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उनकी बेटी बदायूं से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, हिम्मत दिखाएं, उसका इस्तीफा दिलवाएं, महसूस करें उन्हें कि ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से शासन से ये अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि इसके विरुद्ध आप भी संज्ञान लें और इसके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी इसे जेल में डाल दिया जाए। नहीं तो जो 24वें चुनाव होंगे उनमें पता नहीं है उत्तर प्रदेश में किस तरीके की आग फैलाएगा, अमन हमारा कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो एप्लीकेशन है किसकी तरफ से? ये मैं FIR जो है मैं लिखवा रहा हूँ और मेरे साथी हैं धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, वो हैं, हम लोगों ने दोनों ने FIR। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।